ਭੱਜ ਕੇ ਡੱਬਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਠਿਆਈ ਕਿਹੜਾ ਜੋਮੈਟੋ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਬਰਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੇਸਣ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਬਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਲੇਟ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਕਤਾਈ ਹੋਈ ਉਸਲੇ, ਊਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। क्या जिहड़ा नरेंद्र मोदी कहिंदा है कि एम एस पी थी, एम एस पी है, एम एस पी रहेगी, कित्थे एम एस पी वंडना जिन्ना वंडना, यह तो वह कौम है, यह तो किसान कौम है जिहड़े रोज मौत नाल खेड़दे ने, सप्पां दीआं सिरियां ते पैर रख के देश का ढिड भरदे ने, यह नहीं डरदे, यह नहीं डरदे, यह नहीं डरदे, यह नहीं डरदे। भारतीय किसान यूनियन दुआबा के प्रधान और संयुक्त किसान मोर्चे के आगू मनजीत सिंह राय इस वक्त साडे नाल गलबात करन दे लई मौजूद आ। असी करनाल वाले धरने ते हैगे आ। राय साहब, सब तो पहला सवाल, पहली प्रतिक्रिया, जो स्थिति इस वक्त करनाल दे विच बनी हुई है। देखो, ये बीजेपी जिहड़ी है ये देश दे विच डंडा तंत्र नाल लोगों की आवाज़ नूं दबाउणा चाहुंदे ने, लोग आवाज़ नूं उठण नहीं दे रहे। लोग रहना सरकारां बनदियां ने, पर जदों इदां दीआं सरकारां बना लईए, आपां साडियां ही गलतियां ने, असीं इहनां नूं चुण लिया है, पर जदों इदां दीआं सरकारां बना लईए तां फिर उह डंडा तंत्र चलाउंदे ने। पर हुण लोक जाग गए ने, बिल्कुल इहनां दा डंडा नहीं चलण देणगे, इहनां दा डंडा तंत्र बिल्कुल नहीं चलण देणगे। सो इस करके लोग अवेयर ने, जाग गए ने, इस करके सरकार नूं चाहीदा है कि तुरंत जिहड़ी आ उह मंग मन्ने, खासकर आ जिहड़ा करनाल धरना चल रिहा इह मंग नूं मन्ने, ते उहते परचा करे SDM ते, और दिल्ली मोर्चा चल रिहा उह किसानां दी मंग मन्नदे होए तिन्नों जिहड़े खेती कानून रिपील करे, और MSP ते खरीद गरंटी जिहड़ा कानून हैगा उह बना के SDM दे नाल सरकार दे ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਕੱਟੜ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਸੋ ਬੁੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ। राय साहब, पंजाब की जेकर आप गल करिए चोणां सिर ते हैगियां, तमाम सियासी जमातां प्रचार करदियां नज़र आउंदियां ने, बीते दिन कई सियासी जमातों का विरोध भी होया, उहदे ते क्या इह जा रहा? कहिंदे कि संयुक्त किसान मोर्चे नूं फैसला लैणा चाहीदा, करना की है? एक बार सवाल फिर करियो थोड़ी बिच। संयुक्त किसान मोर्चे नूं खुल्लियां चिट्ठियां लिखियां जा रहियां, अकाली दल भी खुल्ली चिट्ठी लिखदा, सियासी जमातां कहिंदियां ने कि मोर्चे दे आगू कहिंदे आ कल्ली भाजपा दा घराओ करो, बाकियां नूं सवाल करो, पर रलवा मिलवा सारिया का घराओ भी हो रहा। हुणे हुणे मैं राजेवाल साहब का सिंघू बॉर्डर से इंटरव्यू करके आया, वो कहिंदे सानू की पता लगता, अकालियां की रैली च कांग्रेसी वड़ के कहिंदे असी किसान आ, ते कांग्रेस की रैली च कई अकाली वड़ के कहिंदे असी किसान आ। कल बैठक रखी है, बैठक च की रूपरेखा लिखी है? मुकम्मल तौर पर बाइकाट करोगे या फिर इन्हों प्रोग्राम करन दी छोड़ दोगे? नहीं, उन्होंने ये बेनती करांगे कि भाई जिन्ना चिर इलैक्शन कमीशन इलैक्शन अनाउंस नहीं करता उन्ना चिर रैलियां करनियां बंद कर दिओ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵਾਕਫ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਚੰਗੀ ਕਰਤੂਤ ਹੋਊ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਮਾੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੈਲੀਆਂ ਬੜਬੜੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਲੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਭੇਜੋ ਆਪਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿੱਦਣ ਜਿੱਤੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ। सो इस करके भाई जे किसी इस वेले पंजाब वाले, क्योंकि पंजाब की इलैक्शन है वो करके मैं पंजाब की गल कर रहा, अंदोलन पूरे देश का है, पर जे पंजाब दे विच जिहड़ियां रैलियां कर रहे हैं जे उन्होंने पंजाब का हित है तो फिर भाई उन्होंने एक बेनती करांगे कि जे पंजाब का हित है तो फिर जिहड़ियां हुण तुसीं भाई रैलियां बंद करो तो इस अंदोलन के शमूलीयत करो। अपने जिहड़े साथी ने तुहाडे वो बिच किसान भी ने उन्होंने कहो भी तुसीं दिल्ली मोर्चा ते जाओ, जिदन मोर्चा जित गए फिर असीं कहांगे भी इह पंजाब दे हितैषी ने, पर अज वो अपनी कुर्सी के हितैषी होए ने अपने तख्त तों ताज। कदों तक लगेगी कल की बैठक बारे थोड़ा विस्तार दस दिओ, मोर्चे तो कौन कौन जा रहा है, उन्होंने नुमाइंदे किन्ने किन्ने आ रहे? देखो, मोर्चे चों खासकर जिहड़े पंजाब दी इलैक्शन करके, पंजाब दी मसला होण करके पंजाब दे 32 दे 32 जाणगे, बत्तियां चों इक आगू जाएगा। उधरों राजनीतिक पार्टियां जिन्हां ने इलैक्शन लड़नी है वो 5-4 पार्टियां हैगियां ने वो आ जाणगे। उन्हां नूं कहांगे कि भाई अपनियां उत्थे रैलियां जिहड़ियां करनियां बंद करो, जिन्ना चिर इलैक्शन कमीशन इलैक्शन अनाउंस नहीं करता कोई रैली नहीं होनी चाहिए। जे तुसीं रैली करोगे तो फिर वह खमियाजा तुहानूं भुगतना पएगा। सिर्फ रैलियां बंद करोगे या पिंड पिंड जाके प्रचार करना भी उन्हां दा बंद होगा?
ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਟਿੱਕਰੀ ਤੇ ਆ ਗਾਜੀਪੁਰ ਹੈ ਪਲਵਲ ਹੈ ਢਾਂਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੈ मैं गल कहां उन्हां दी जमीर मरी हुई है वो लोग ने जिहड़े पार्टियां कोल बिके हुए ने उन्हां दी जमीर जागदी नहीं है वो लोगों नूं अज ये नहीं नज़र आता कि साढ़े ही भरा जाके बॉर्डर ते बैठे ने तो असी अपनी जमीर नूं मार के आ नीलियां चिट्टियां मगर घूमते फिरदे कोई झाड़ू वाले मगर तुरिया फिरदा है उन्हां दी जमीर मरी हुई है तो जिहदी जमीर मर जाए उहदे पल्ले कग नहीं हुंदा सो इस करके वो तो मिट्टी ने वो लोग मैं समझदा मिट्टी के बावे तुरे फिरदे ने एवें वगाउण वो तो सीधी गल स्पष्ट है कि भाई जेकर तुसीं तुहाडी कोई जमीर जागदी है इन्हां राजनीतिक लोगों का पिछा छड्डो तो तुसीं सिंघू बॉर्डर टिकरी बॉर्डर पलवल बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर जिन्ने भी बॉर्डर ने छे बॉर्डर असीं दिल्ली ते दब के बैठे हाँ छे दे छे बॉर्डर नूं तकड़े करो एक सवाल जिहड़ा सीधे तौर पर तुहाडे नाल संबंध रखता है सवाल कह लो जां विवाद कह लो जो कैप्टन साहब गन्ने के भाव च इजाफा करते हैं तो उत्थे बर्फी का डब्बा आउंदा बर्फी के डब्बे ते बहुगिणती किसानों इतने भी किसान ही खड़े होया एतराज़ हुंदा लोगों को कहिंदे कि राय साहब भज के डब्बा लिया तो मूँह मिठा कराते कहिंदे वो कैप्टन किवें चंगा लगन लग पिया जां लोग कहिंदे भी मिठाई किहड़ा जोमैटो तो मंगवा ली सी जिहड़ी इन्नी छेती आ गई कहिंदे प्री प्लांड सी किसानों ने भी बहुगिणती लोगों ने इस गल का रंज मनाया तुसीं महसूस करते हो कि वो थोड़े तो गलती हुई है नहीं पहली गल तो मैं दस दया भी बर्फी नहीं सी बेसण सी तो फिर यह भी मैं दस दया भी जिहड़ा साढ़े चाह पानी लिए रखिया ही ना वो चार पांच प्लेटा जो बचता सी इकट्ठा करके एक प्लेट चो नहीं मैंनू फड़ा दिता पहली गल तो यह है सेक्रेटरीएट दी बर्फी ना वो लड्डू सी ना बर्फी सी बेसण सी क्लीयर कट है मैं खादा क्योंकि सारिआं नूं उन्होंने दिता ही चाह दे नाल सो वो बेसण सी दूजी गल यह भी साढ़े पंजाब के इतिहास पहली बारी होया सी कि साड़ी जिनस का मुल एकदम 50 पैसे वधाउण च कामयाब होए प्रति क्विंटल 20,000 प्रति एकड़ 20,000 प्रति एकड़ अज तक किसी जिनस का मुल सरकार ने कदे नहीं बताया हम तुम वेख्या ही आ जी के बहुत थप थपाई जाते अपनी छाती पर असी स्वामीनाथन पोल लागू करती जी जो झूठिया की पार्टी आ जी बीजेपी तो 40 रुपये क्विंटल के बधाए ने तो की बधाया साढ़ा 700-800 रुपया खेत का बढ़ाया शर्म आनी चाहिए इन्हों तो जिते जो 20,000 प्रति एकड़ बढ़िया तो वो इमीजिएटली खुशी का माहौल सी मन दे विच कि साड़ी वड्डी प्राप्ति हो गई उन्होंने जो प्लेट फड़ाती ये जरूर मानते हैं भी सत्तों कताई हुई उसले ऊ भी धन्यवाद करके आ जाते तो चंगा सी पर वो खुशी का माहौल से वो चक के उन्होंने कहा अफसर ने भी जी हूँ तो राय साहब बनता है कि कैप्टन साहब का मूँह मिठा करा दौ असी मनिया भी सत्तों कताई हुई कई बार काली हो जाता पर मैं जरूर कहूँगा साढ़े किसान वीर जिन्हें नौजवान ने जिन्हों भावनावान है अपना मैं हूँ स्टेज तो कहना सी सगों मैं भुल गया कहना उस वेले जो मैं बोलिया अपना चग्गा चके तो अपना ढिड नंगा हुंदा है जो शरीक नूं पता लग जाए ये अपने बापू का आखा नहीं मानते अपने बड़े भाई का आखा नहीं मानते शरीक तुहाडे गल चढ़ाउंदा है तो साडा शरीक अज नरेंद्र मोदी है साडा शरीक अज खट्टर है तो अपने आगुआं दे गल ना पिया करो उन्होंने पता है भी ये तो आपसी बिच ही लड़े हुए ने फिर तो गल चढ़ गए जो रेट बताया खट्टर सीएम खट्टर होरां दा बयान आया कैप्टन साहब ते खट्टर साहब की आपस से भी तलकी हुई ट्विटर ते फेसबुक ते वो कहंदे कैप्टन साहब तुसी गल्लां करदे हो कहंदे छोटी जी गल करके ते बहुत वड्डा एहसान करदे हो मेरे सूबे दे अंदर घट्टो घट 10-12 फसलों ते मैं घट्टो घट समर्थन मुल ते फसलां खरीददा कहंदे इहदे ते जवाब दिओ तुहानूं लगदा है कि पंजाब दे विच वी इह चीज़ां लागू होणियां चाहीदियां जे 23 फसलों ते घट्टो घट समर्थन मुल है ते सरकार नूं बणदा जिहड़ा देना चाहीदा पहले तो मैं खट्टर की गल का जवाब दे ला ना पंजाब तो सारा कुछ ही असं चाहते हैं पंजाब कल्ला पंजाब नहीं पूरे भारत लई कहने कि 23 दियां 23 फसलां पूरे भारत के 23 तां हैगियां जिहड़ियां बाकी साडियां सब्जियां भी केरल च जिहड़ियां सब्जियां उन्हां ते भी MSP तय हो गई है मैं कहना कि पहला तो उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट दे जिहड़ा फार्मूले के मुताबिक उहदा रेट तय कर फिर खरीदन ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਸਰੱਗੀ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਵੇ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 23 ਨਹੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ 23 ਤੇ MSP ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਪਰ ਫਸਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਝੂਠਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੀ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਕਿ 2615 ਰੁਪਏ ਕਰਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਤਾ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਵਿਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ तो युद्धवीर जी जुट कैद साहब के नाल हुंदे आ मैं तो युद्धवीर जी असी नरेला मंडी च गए जो उत्थे गए तो 1740 रुपए का बिल MSP 1975 दिल्ली दे विच भी MSP है नहीं मैं उत्थे क्या सी क्या जिहड़ा नरेंद्र मोदी कहिंदा है कि MSP थी MSP है MSP रहेगी कित्थे MSP MSP नहीं है कितें भी ये झूठ बोलते हैं
ये 23 फसलों से जो कही जाता खट्टर कहना मैं 12 फसलों से करदा वो भाई किसान की जिनस का मुल न स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक C2+50% के मुताबिक जो वह रेट बनता है वो मुताबिक MSP तय करो तो सारिया फसल MSP से खरीदो फिर तो कहे कि तुम किसान वापसी इसे सैक्रेट से मैं वापसी इसे धरने पर आना है कोई लेटैसट अपडेट की हैगी है प्रशासन के नाल कोई डायलॉग होया नहीं कोई गल नहीं ये करते हैं इदा BJP वाले ये असी उत्थे बैठे 2-2.5 महीने तो हूँ कोई गल नहीं कर रहे करना पता लगता कि उस अंदोलन वंडन के तहत इन्होंने कितना कितने कोई चाल लगती सरकार वंडना जिन्ना वंडना ये तो वह कौम है ये तो किसान कौम है जेडे रोज़ मौत ना खेड़ते हैं सप्पा दियां सिरियां ते पैर रख के देश का ढिड भरते हैं ये नहीं डरते ये नहीं डरते ये जो मर्जी कर लें और मैं भी कहांगा कि खासकर मैं कहूँगा इस कौम नूं थापड़ा है गुरु साहबाना का और बेशक साडा हरियाणा अज हरियाणा लग रहा है कि वाकई भी पंजाब ही सी सारा ये बिच साडे दीवारां खड़ियां कीतियां इन्होंने पोलीटिकल लोगों ने यह साडे भरा ही ने सारे तो साडे गुरु साहबाना ने सानू थापड़ा दिता है कि एक एक सवा सवा लख ते भारू है हजे सीधे नहीं होए हजे असी कहने शांति बना के रखो साडे आगू भी हुण स्टेज तो कह गए ना सारे असी भी कहने कि भाई शांति बना के रखो जिदन सीधे हो गए लालन जिन्नियां फोर्सां लाउणियां मैं बहुत बारी कहा जे असी ढूण ते आ गए तो दिल्ली सवेरे ही इंटरनेट खड़का देंगे पर साडा मन है कि साडा ही देश है ये तो कुछ लैके मुड़ना है प्राप्ति करनी है असी बंदे मारन मराउन नहीं आए अपनी इस देश की सरकार को अपने हक लेना है हक लैके मुड़ा बहुत बहुत धन्यवाद है सन मनजीत सिंह राय जिन्हों का कहना है कि सरकार दीयां बदनीतियां तो किसान डरते नहीं है किसान लगातार इस मसले पर जिहड़ा खेती कानूनों का मसला या फिर करनाल का मसला इस मसले पर बजद रहणगे तो डट के सरकार का विरोध करनगे उन्नी देर तक जिनी देर तक किसानों इंसाफ नहीं मिल जाता। कैमरामैन सतनाम सिंह दे नाल रमनदीप सिंह सोढ़ी जगबाणी TV करनाल। देश दुनिया की हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने लई साडे यूट्यूब चैनल नू सब्सक्राइब करो नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बैल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसी ये वीडियो फेसबुक ते देख रहे हो तो इस नू लाइक जरूर करो और ज्यादा तो ज्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।